हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल राजयोगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक लाइटर जो कि पीवीसी पाइप से बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 20 mm का कोई पुराना पाइप ले लेंगे, जिसकी लंबाई चेक कर लेते हैं कितनी चाहिए हमको। आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हमने इसकी 7 इंच लंबाई ली है। ये 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया है और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हम कट कर लिया, ये गंदा हो रहा है, इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये हमने साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा और चाहिए। इसके ऊपर हम इस पाइप को रख के और गोल सर्कल काट लेंगे और कुछ मार्किंग करेंगे। चलो मार्किंग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया है। चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है, इसके 2 पीस काट लिए हैं। एक जो बड़ा वाला पीस है, इसको हम इस पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से फंसाएंगे, इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे, इससे कि ये और मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम फेविकोल की मदद से चिपका देते हैं। ये हमने चिपका दिया और इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब दोस्तों, इसकी जो साइड वाली पॉइंट है, इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे, इधर से भी मोड़ देंगे, जिससे कि और अच्छा लगेगा ये। तो ये हमने इसको मोड़ दिया है, बिल्कुल असली जैसा लुक आ रहा है इसमें। एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा और ले लेंगे इस साइज का, जो कि हम इस पाइप को कटिंग करके इसके अंदर लगाएंगे। इसको चलो गोल कटिंग कर लेते हैं। ये हमने गोल कटिंग कर ली है और इसको चलो साइड में रख देते हैं। अब हमें कुछ पुराने लाइटर चाहिए, जो कि हमारे पास कोई भी पुराने पड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी हो तो आप 10 रुपये का ला सकते हैं। वैसे पुराने काफ़ी मिल जाते हैं। तो इनमें से हम इसकी मशीन निकाल लेंगे, ये ख़राब लग रहा है, इसी की मशीन निकाल लेते हैं। चलिए बाकी के हम साइड में रख देते हैं, इसकी मशीन निकालते हैं। इसकी मशीन निकाल ली है, तो चेक करते हैं। ओह नो दोस्तों, करंट लग गया उंगली में, काफ़ी तेज करंट लगता है, सावधानी से करें। तो चलिए, इसकी वायरिंग करने से पहले हम एक काम करेंगे, हमें पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा ले लेना है। इसको हीट कर लिया है हमने, और इस तरीके से सेल के ऊपर गोल गोल राउंड करके एक सर्कल काट लेना है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और थोड़ा सा दबाएंगे तो ये यहाँ पर अटक जाएगा, जिससे कि हम एक हमने जो गोल सर्किट काटा था, इसको यहाँ फंसाएंगे और इस पर इस तरीके से रख के प्रेस करेंगे, तो ये हमारा अंदर नहीं घुसकेगा और ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये हमको निकाल लेते हैं इसको फिलहाल, और इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो इसकी वायरिंग करने के लिए हमें लगभग 0.5 mm के 2 तार ले लेने हैं, करीब 7 इंच से छोटे 5 इंच की तार ले लेने हैं, और आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो इसको हमने ये जॉइंट कर लिया है इसमें, और दूसरा सिरा हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। दोस्तों, ये तो प्लग के टूट गया, तो ये टांके इसमें काम नहीं करेंगे। तो आप टांके ना लगा के आप डायरेक्ट इसमें जॉइंट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया है, दूसरी मशीन, और इसको हम इस पर रख के जॉइंट करेंगे। तो फिलहाल इसको हम चिपका देते हैं पहले। दोस्तों, जी तो उंगली चिपक गई, सावधानी से करना है दोस्तों, काफ़ी उंगली चिपक गई मेरी, छुटानी पड़ी अभी मुझे। तो चलिए, इसको हम तार को इस तरीके से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में इसमें हीट सिंक चढ़ा देंगे, हीट सिंक इस पर चढ़ा देंगे, और दूसरे वाले तार पे भी हम चढ़ा देंगे और इसको हीट कर देंगे। इसको इस खांचे में फंसा देंगे, और फंसाने के बाद में इस पर हम दबा के इसके ऊपर थोड़ा टेप लगा देंगे, कुछ इस तरीके से,
जिससे कि ये इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो ये हमने टेप इस पर ऊपर लगा दिया है और ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब हम एक ग्लू स्टिक का एक टुकड़ा ले लेंगे 2 इंच का और अब इसकी रिंग इसके अंदर फंसाएंगे हम और ये मशीन इसके ऊपर रख के और इसके अंदर इतना दबाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है, जहाँ तक हमें ले जाना है बस तार अपने बाहर आ जाएंगे उतना ही छोड़ना है। इसको थोड़ा दबाते रहेंगे और ग्लू स्टिक लगा के जितनी ग्लू स्टिक हमको अंदर रखनी है उतनी ही छोड़ेंगे, बाकी की बाहर रखेंगे। हमने इतनी अंदर रखनी है, इतनी रखने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब बाकी की जो मशीन है इसको हम वापस निकाल लेंगे चिमटी की मदद से। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब जो रिंग हमने फंसाई थी वो उसी की जगह वहीं की वहीं अटक गई जहाँ पर हमने रखना चाहिए था। इस पर हम एक बूंद जिंदगी की डाल देंगे जिससे कि चिपक जाएगा, वहीं की वहीं हिलेगा नहीं। तो ये वहाँ पर चिपक गया है और यहाँ पर हम कुछ मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से जिससे कि ये असली जैसा लगेगा। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये इतना काम कंप्लीट हो गया है। चलिए इसकी पेंटिंग कर लेते हैं, इसके ऊपर पेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पेंट हमारा सूख चुका है और सूखने के बाद में अब इसकी हम फिटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए इसकी फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मशीन इसके अंदर डालेंगे और कुछ इस तरीके से इसके कटिंग जो खांचा था उस खांचे से मिला लेंगे जिससे कि तार आसानी से बाहर निकल सके। तो इसको हम लगा के और इसको अंदर को दबा देंगे और ये हमने इस मशीन को इसमें लगा दिया है कुछ इस तरीके से और देख लेंगे तार हमारा कितना बाहर आ रहा है। तार का भी थोड़ा सा अंदर और है, इसको और बाहर निकाल लेंगे तो पूरा बाहर आ जाएगा तार थोड़ा सा, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमने इसको फिट कर लिया है। अब दोस्तों एक काम करेंगे इसमें कि ये जो ग्लू स्टिक है इसको हल्का सा हम पिघलाएंगे, पिघला के इसको चिपका देंगे इसमें। चिपकने के बाद में जब चिपक जाए तो इसको हम वापस फिर से इसके अंदर लगाएंगे। तो ये हमने इसको थोड़ा सा दबाएंगे, दबाने के बाद में और ये इतना तार वापस निकल आया है दोस्तों, परफेक्ट है। अब इसका कैप लगा देंगे, कैप लगाने के बाद में और इसको हम फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देंगे इसको। तो चलिए चिपका देते हैं। तो ये हम चिपका दिया है और ये लगभग अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम एक ये कैप बनाया था हमने, इसको भी लगा देंगे और थोड़ी से तार बाहर निकाल देंगे और इसके ऊपर फेविक डाल देंगे जिससे कि ये हिले नहीं। ये हमने फेविक चारों तरफ से डाल दिया है। एक कंप्लीट लगभग हो चुका है इसके तारों को सेट करने के बाद में। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं किचन में और कैसा वर्क करता है, चलिए आइए। तो फ्रेंड्स हम अपनी किचन में आ चुके हैं और इसमें अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, एक ही बार में गैस जल रही है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा ये बना हुआ है अपना जी लाइटर, आप भी घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।